तुम हो सहाय असहायों की, तुम दोनों की दुख हरती हो तुम ही जन्मदाता जग की, तुम जग की पालन करती हो। तुम पतिव्रता पतिभक्ता हो, पति प्रेयसी हो, पति सेवी हो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं माँ, तुम ही संकटा देवी हो। नमस्कार, स्वतंत्र कला के फनकार में मैं प्रीति शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक, नारी शक्ति की गरिमा व महिमा के प्रबल समर्थक, ओज व तेज के धनी कविवर भोलानाथ का जन्म 13 अक्टूबर 1912 को हुआ था। इन आप में से बहुत से लोग कविवर भोलानाथ को जानते होंगे और बहुत से मित्रों ने उनका नाम नहीं भी सुना होगा, पर मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिन भी मित्रों को कविताओं में रुचि है, विशेषकर वीर रस की कविताओं में रुचि है, उन्हें भोलानाथ जी की कविताएं अवश्य पसंद आएंगी। मेरा पूर्ण प्रयास होगा कि जिस उत्साह और उमंग के साथ भोलानाथ जी ने अपनी कलम को पन्नों पर दौड़ाया है, उसी उमंग और उत्साह के साथ मैं उनकी कविताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो आपका अधिक समय ना लेते हुए मैं बढ़ती हूँ उनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताती हूँ। बाल्यावस्था से ही उन्हें कविता लिखने का बहुत शौक था। लेखन, अभिनय और बैंजो बजाने का उन्हें काफी शौक था। नाम के अनुकूल ही उनका स्वभाव था, दयालु, निष्कपट और भावुक। वे शक्ति स्वरूप नारी का अत्यंत सम्मान करते थे। वे आह्वान करते हैं कि खप्पर त्रिशूल वाली बनकर, चंडिके मुंड माली बनकर, तुम कूद पड़ो सीमाओं में काली बनकर, कंकाली बनकर, तुम सदैव चलना सीखो खांडों पर और दुधारों पर, तुम वीर पद्मिनी रानी हो जो कूदी थी अंगारों पर। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का वो दौर अपनी आंखों से देखा था, जब अंग्रेजों की पुलिस पकड़कर सत्याग्रहियों को लेती थी, हथकड़ी हाथ में तथा पैर में बेड़ी डलवा देती थी, मारते मारते जब उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी, तब सत्याग्रह ले जाकर उनको तन्हाई दे दी जाती थी। होलिका मिलन और हुड़दंग का जीवन चित्रण उनकी कविताओं में मिलता है। त्याग, अभिमान, मान अपमान, शत्रु कर रहा शत्रु से प्यार, अजब है होली का त्योहार, कुमकुम मार रहा कोई लिए कोई अबीर का थाल, मल रहा कोई रोली भाल, मिल रहा कोई भुजा पसार, निखालिस कोई पीता और कोई पी रहा सोडा वाटर डार, अजब है होली का त्योहार। वो कामना कविता में कहते हैं, चाहता हूँ देश की स्वतंत्रता बनी रहे, चाहता हूँ देश की अखंडता बनी रही, चाहता हूँ देश सर्वत्र राम राज हो, चाहता हूँ देश की सुखी सुखी समाज हो। 1962 के चीनी आक्रमण से उनका मन अत्यंत व्यथित था। वो चाऊ को चुनौती देते हुए कहते हैं, तूने चाऊ क्या समझा है, भारत के लाल प्रवालों को, तूने चाऊ क्या समझा है, काले कराल विकरालों को, इतिहास खोल कर देख आज उस झांसी वाली रानी का, आजाद चंद्रशेखर बिस्मिल तात्या की अमर कहानी का। शेखर जी एक ऐसे दिव्य व्यक्तित्व के स्वामी थे जिनकी जन्म तिथि और निर्वाण तिथि एक ही है। काव्य चिंगारी बन के जो शोले हुई, बाद में नाम शेखर पहले भोला हुई, जैसे जीवन जिया आपने कोई गया न जीकर, कविवर भोलानाथ शेखर, भोलानाथ शेखर। आशा करती हूँ कि कर पाई होंगी उनकी कविताओं के साथ न्याय, पसंद आया होगा आपको मेरा ये लेखन पाठ। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मुझे यानी प्रीति शुक्ला को इजाजत दीजिए, धन्यवाद। और अब सीधे चलते हैं अब्दुल कवि के पास और देखते हैं आज वो हमें किस उभरते हुए सितारे से मिला रहे हैं। धन्यवाद प्रीति जी, आपने जिस तरह से शायरों कवियों की जीवनी बताई, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे कई फोन आए कई लोगों द्वारा आपके इस जीवनी के प्रोग्राम को सराहा गया और कई फोन मुझे इस तरह से आए कि लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्रीति जी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहें और रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें कि इस प्रोग्राम को वो और लंबा चलाएं, क्योंकि आज के युवा
जो पुराने शायर या जो कवि हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं और जो पढ़े हैं वो इतना नहीं समझते हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम से उनको शायरों और कवियों को के बारे में जो ज्ञानवर्धक ज्ञान हासिल हुआ है उसके लिए वो सब और मैं खुद आपका आभारी हूँ। इसके लिए मैं आपको एक बार और धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आपकी मुलाकात एक वीर रस के कवि कवि देवी चरण जी से करवाता हूँ, जिनकी रचनाओं में देशभक्ति राष्ट्रभक्ति उनके व्यक्तित्व का बखान करती है। आइए हम कवि देवी चरण जी से बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय आपसे ही जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अपने बारे में दर्शकों को बताएं आप। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कवि देवी चरण मिश्रा, यह है हमें अपने भारत की रक्षा और स्वाभिमान बचाने में तत्पर रहना चाहता हूँ, इसलिए हमारे स्वभाव की वीर की कविताएँ लिखी जाएं और सभी का सम्मान भी किया जाए, अपने देश की रक्षा की जाए, हमारा देश मजबूत रहेगा, हमारा राष्ट्र रक्षा किया जाएगा, जो मजबूत रहेगा तो हम रहने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, तो हमारा ये स्वभाव रहता है, इसी पे लिखते हैं हम। वीर रस की कविताएं आप करते हैं? वीर रस की कविताएं लिखते हैं सर, और बहुत बहुत सम्मान सभी करते हैं। बस एक ही भाव में रहता है कि मैं अपने देश को मजबूती दूँ, देश हमारा आगे बढ़े, राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। लोग कहते हैं हम सुरक्षित रहें, देश में सब लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन जब ये नहीं समझ पाते जब हमारा राष्ट्र हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कहाँ से सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसी क्रम में हम माँ के चरणों में दो पंक्तियाँ कह रहे हैं, अपनी माता इसे आशीर्वाद आशीष प्रदान करना चाहते हैं। देवी हंस वाहिनी प्रकाशनी हृदय की राग, देवी हंस वाहिनी प्रकाशनी हृदय की राग, दामिनी सी कंठ में उदार वाणी भर दो। देवी हंस वाहिनी प्रकाशनी हृदय की राग, दामिनी सी कंठ में उदार वाणी भर दो। उज्जवल प्रसून शब्द दीपक जलाऊ मातु, उज्जवल प्रसून शब्द दीपक जलाऊ मातु, करता हूँ विनय पे कृपा दृष्टि कर दो। भर दो अपार सुधा सिंधु जनमानस में ज्ञान का जला के दीप ज्योति मान कर दो, ज्ञान का जला के दीप ज्योति मान कर दो। ध्यान हो तुम्हारा और न्याय पे चले सदाई, ध्यान हो तुम्हारा और न्याय पे चले सदाई, मातुलहु कवि पे आशीष अत धर दो, मातुलहु कवि पे आशीष अत धर दो। देवी हंस वाहिनी प्रकाशनी हृदय के राग, दामिनी सिकंठ में उदार वाणी भर दो। हमारे भारत देश की सीमाओं पे जब फिरंगी आतंकवादी लोग आने लगे, उस समय भाग माँ के बेटे सभी सो रहे थे, माँ भारती ने कहा आप अपने अपने घर यहीं से वापस हो जाओ, मैं एक माँ हूँ, माँ की ममता माँ ही जानती है, इसलिए मेरा दायित्व धर्म बनता है, मैं तुझे सुझाव दे रही हूँ कि अपने अपने घर वापस हो जाओ, नहीं तो यदि मेरे बेटे जग जाएंगे तो तांडव हो जाएगा। तो उन्होंने कहा फिरंगियों ने कि मैं तुम्हारे बेटों की ताकत देखना चाहता हूँ कि कितनी बाजू कितनी ताकत उनके बाजुओं में है, और मैं उनसे संग्राम भी करना चाहता हूँ। तो कहा आप नहीं जानते कि भारत देश की सेना में कौन सी ताकत है, भारत देश की सेना सबसे ज़्यादा मजबूत सेना मानी गई, कैसी ताकत है भारत देश में सैनिकों में, ये सौ सौ अंग्रेजों पे भारत माँ का बेटा एक अकेला भारी था, सौ सौ अंग्रेजों पे भारत माँ का बेटा एक अकेला भारी था, उसका नाम चंद्रशेखर तिवारी था, उसका नाम चंद्रशेखर आजाद तिवारी था। माँ ने कहा तुम देखना ही ताकत चाहते हो तो संभल जाओ। भारत माँ की ललकार गीत है, मैंने एक लिखा था, 5 साल पुराना गीत हमारा ये हो गया है,
कि माँ भारती पुकारती है आओ मेरे लाल आज, माँ भारती पुकारती है आओ मेरे लाल आज, शत्रु बढ़ा गई से कर से पछाड़ दो। माँ भारती पुकारती है आओ मेरे लाल आज, शत्रु बढ़ा गई से कर से पछाड़ दो। छातियों को छेद छेद रुंद मुंद काट सभी, छातियों को छेद छेद रुंद मुंद काट सभी, अपना तिरंगा शत्रु सी पर गाड़ दो। करता है तंक जो आतंक भूमि कंप आज, करता है तंक जो आतंक भूमि कंप आज, ऐसे यंत के तो डंक पंख ही उखाड़ दो, यंत के तो डंक पंख ही उखाड़ दो। खाते हैं सुरेश की और गाते हैं विदेश की जो, खाते हैं सुरेश की और गाते हैं विदेश की जो, ऐसे चापलूसों की जुबान तक काट दो, चापलूसों की जुबान तक काट दो। कि आ गया है रक्त रक्त चाहता सुरेश राज, आ गया है रक्त रक्त चाहता सुरेश राज, देश हित फिर आज आहुति अनल दो। और भारत का विकास देख देख के जो जल रहा, भारत का विकास देख देख के जो जल रहा, बैठे सिर्फ की छाती में मूंग दल दो, सिर्फ की छाती में मूंग दल दो। माँ भारती पुकारती है आओ मेरे लाल आज, शत्रु बढ़ा गए इसे कर से पछाड़ दो, तो बढ़ा गए इसे कर से पछाड़ दो। चाहे जलाया तो देवी चरण जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आप क्योंकि वीर रस के कवि हैं, तो आप वीर रस के अपनी कविता के माध्यम से राष्ट्र को और देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस पर आपसे चार लाइन देश के लोगों के लिए और आपकी सोच वीर रस के कवि होने के नाते राष्ट्र के प्रति क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमारी एक ही आकांक्षा, एक ही सोच, एक ही हसरत, एक ही च्वाइस, कि हम जब तक जिए राष्ट्र रक्षा करें, हम जब तक जिए राष्ट्र रक्षा करें, और जीवन हमारा समर्पित रहे, और जीवन हमारा समर्पित रहे, बस यही भाव में दिल में रहे, देश के नाम जीवन समर्पित रहे, देश के नाम जीवन समर्पित रहे, राष्ट्र के नाम जीवन छावर रहे, देश के नाम जीवन समर्पण रहे, हम जभी तक जिए देश रक्षा करें, और जीवन हमारा समर्पित रहे, कि मातृभूमि की रक्षा करें हम सभी, मातृभूमि की रक्षा करें हम सभी, कर्ज माँ का उतारे फर्ज पूरा करें, कर्ज माँ का उतारे फर्ज पूरा करें, हम जभी तक जिए राष्ट्र रक्षा करें, और जीवन हमारा समर्पित रहे, बस यही भाव में रे दिल में रहे, राष्ट्र के नाम जीवन समर्पित रहे, देश के नाम जीवन समर्पित रहे, तो जन्म भारत में मेरा हुआ है इसे, जन्म भारत में मेरा हुआ है इसे, हम सभी मिलकर साकारात्मक करें, राष्ट्र रक्षा करें, राष्ट्र रक्षा करें, देश रक्षा करें, देश रक्षा करें, कि हम जभी तक जिए राष्ट्र रक्षा करें, और जीवन हमारा समर्पित रहे, और जीवन हमारा समर्पित रहे।